सो व्हाट्सअप गाइज, आज के इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप का फेस स्मूथ फोटो एडिटिंग करना एंड आप लोग कैसे कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड चेंज फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वाले वीडियो के अंदर आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना सिखाया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इस सिंपल फोटो को शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ से ओपन कर लेना होगा स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ से स्नैपसीड एप्लीकेशन में इस फोटो को ओपन कर लेंगे और ओपन करने बाद सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है एंड इसके बाद आप लोग को यहाँ पे नीचे टूल्स का ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले फेस को यहाँ पे नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड इसके बाद आप लोग को ऊपर ट्यून इमेज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे आने पर सबसे पहले ब्राइटनेस को +30 या 40 के करीब रख लेना है एंड इसके बाद यहाँ पे एम्बियंस को भी इंक्रीज कर लेंगे +50 के करीब और यहाँ पे क्या करना है, शैडोज को -12 के करीब, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना होगा, इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है। तो सेव करने के बाद बैक आ जाना होगा और इसके बाद क्या करना है, फिर से यहाँ पे नीचे टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा एंड यहाँ पे आने के बाद आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे सेकंड नंबर वाले ब्रश यानी कि एक्सपोजर पे क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे देख सकते हैं -0.7 है तो हम लोग इसको 0.7 +0.7 पे रख लेंगे। अब फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसको स्क्रीन पे ड्रॉ करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वन क्लिक में कुछ इस टाइप से फेस गोरा हो जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने स्क्रीन पे इसको अप्लाई करेंगे तो आप लोग का भी स्क्रीन कुछ इस टाइप से गोरा हो जाएगा एंड पूरे स्क्रीन पे इसको अप्लाई कर लेना है। एंड पूरे स्क्रीन पे अप्लाई करने के बाद क्या करना होगा, इसके बाद फिर से यहाँ पे नीचे यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड आप लोग यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फर्स्ट वाले यानी कि इस वाले इसको हम लोग कम कर लेंगे -0.7 के करीब, ठीक है। तो यहाँ पे -1.0 है तो अभी आप लोग देख सकते हैं तो हम लोग इसको -0.7 पे कर लेंगे एंड इसको -0.7 पे करने के बाद कुछ इस तरीके से जहाँ भी आप लोग का हेयर ब्लैक नहीं होगा वहाँ पर इसको अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पूरे हेयर पर अप्लाई करना होगा एंड अप्लाई कर लेने बाद क्या करना होगा, इसके बाद फिर से नीचे यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेचुरेशन वाले ब्रश पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और सेचुरेशन पे क्लिक करने के बाद इसको हम लोग -10 के करीब रख लेंगे। अगर आप लोग का हेयर पे दूसरा कुछ कोई और सा भी कलर होगा तो इसको हम लोग यहाँ से कुछ इस तरीके से ड्रॉ करके इसको हम लोग ब्लैक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ड्रॉ करके सेचुरेशन को कम कर लेना हेयर के सेचुरेशन को एंड कम कर लेने के बाद फिर से यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है और इसको अप्लाई करने के बाद क्या करना होगा, नीचे यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है एंड सेव करने के बाद फिर से क्या करना होगा, हम लोग को ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है तो फोटो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा एंड सेव होने के बाद इसको कैंसिल कर देना है और फिर से यहाँ पर आ जाना है और इसके बाद फिर से नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद यहाँ पर आने के बाद हीलिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और हीलिंग पे कुछ इस तरीके से इसको बॉडी पर ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिक वन क्लिक में कुछ इस तरीके से रिमूव कर देगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से रिमूव कर लेना है एंड इसके बाद इस फोटो को यहाँ से सेव कर लेना है और सेव करने के बाद फिर से बैक आ जाना होगा एंड इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद फिर से नीचे यहाँ पर टूल्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आने के बाद ऊपर ट्यून इमेज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे सेचुरेशन को इंक्रीज करना है, ठीक है, +50 के करीब एंड एम्बियंस को भी इंक्रीज कर लेंगे +50 के करीब और यहाँ पे शैडोज को थोड़ा सा कम -10 के करीब और वार्म को हम लोग +35 के करीब एंड इसके बाद इसको यहाँ से सेव कर लेना है। तो सेव करने के बाद फिर से बैक आ जाना होगा एंड इसके बाद फिर से यहाँ पर नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आने के बाद HDR स्केप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग का ऑप्शन है तो हम लोग स्ट्रॉन्ग वाले ऑप्शन पे ही रख लेंगे और यहाँ पे क्या करना है, सेचुरेशन को इंक्रीज कर लेना होगा +25 के करीब और यहाँ पे ब्राइटनेस को -15 के करीब एंड इसके बाद क्या करना होगा, इसको यहाँ से सेव कर लेना है और सेव करने के बाद फिर से इधर आ जाना है एंड इसके बाद यहाँ पर आने के बाद फिर से यहाँ पर नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है और इसके बाद ऊपर यहाँ पर वाइट बैलेंस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज कर लेंगे +20 के करीब और इसके बाद इसको यहाँ से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पे आ जाना है और इसके बाद फिर से यहाँ पे नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आने के बाद नीचे यहाँ पे लेंस ब्लर का ऑप्शन होगा तो लेंस ब्लर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सर्किल को छोटा कर लेना है और इसको 0 कर लेना है, इसको भी 0 कर लेना होगा
और इसका ब्लर स्ट्रेंथ हम लोग 60 या 70 के बीच में रख लेंगे, प्लस 50 के करीब, ठीक है। और इसको नीचे रख लेना है, एंड इसके बाद क्या करना है, नीचे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, और सेव करने में फिर से बैक आ जाना होगा। एंड इसके बाद फिर से यहाँ पर नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक कर देना, फिर से यहाँ पर आ जाना है और नीचे डबल एक्सपोजर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जिस फोटो को हम लोग सबसे पहले सेव किए थे उसी फोटो को यहाँ से ओपन कर लेंगे। तो इस फोटो को यहाँ से ओपन करने के बाद नीचे यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद ऑपेसिटी फुल करके नीचे यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, और सेव करने में फिर से क्या करना होगा, ऊपर उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पर नीचे व्यू एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पर क्लिक कर देने बाद फिर से क्या करना होगा, ऊपर यहाँ पे डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर देना है, एंड उस पर क्लिक कर देना, फिर से यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा, और ब्रश पर क्लिक कर देना, फिर से क्या करना, यहाँ पे देख सकते हैं 100 है और ब्लर भी आ चुका है, तो इसको 100 पे रख लेना है। एंड कुछ इस तरीके से आप लोग ब्लर को रिमूव कर लेंगे, तो पूरे बॉडी पर से यहाँ से ब्लर को रिमूव कर लेना है। एंड ब्लर को रिमूव कर लेने बाद फिर से क्या करना होगा, यहाँ पर रिमूव करने के बाद अच्छे तरीके से रिमूव करने बाद यहाँ पे देख सकते हैं 100 है, हम लोग इसको यहाँ से जीरो कर लेंगे। अब फोटो को जूम करके कुछ इस तरीके से इसके बॉडी के किनारे किनारे ड्रॉ करना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से जो ब्लर है हम लोग का ऐड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पूरे बैकग्राउंड को आप लोग को ब्लर कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से पूरे बैकग्राउंड को ब्लर कर लेंगे। तो ब्लर करने के बाद दोस्तों क्या करना होगा, इसके बाद यहाँ पे इस फोटो को सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद फिर से बैक आ जाना होगा। एंड इसके बाद यहाँ पे आने के बाद इसको इस फोटो को हम लोग यहाँ से डन कर देंगे। तो डन कर देने के बाद दोस्तों इसके बाद इसी फोटो को शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे एडोब लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो दोस्तों यहाँ से इस ऐप में इसको ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोग इस प्रीसेट को डाउनलोड कर लीजिएगा जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसको ओपन करने के बाद ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे कॉपी सेटिंग का ऑप्शन होगा तो कॉपी सेटिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और ऊपर राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है, और सेव करने के बाद फिर से बैक आ जाना होगा सिंपल फोटो पे। एंड यहाँ पे आने के बाद ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस पर क्लिक कर देने बाद यहाँ पर नीचे पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन होगा तो उस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं 1 क्लिक में कुछ इस टाइप का हो चुका है, तो इसको सही करने के लिए यहाँ पे नीचे आ जाना है, और नीचे यहाँ पे कलर का ऑप्शन होगा तो कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद ऊपर यहाँ पे मिक्स वाले ऑप्शन का यहाँ पे मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इस पर क्लिक कर देने बाद यहाँ पर देख सकते हैं, तो सबसे पहले इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। एंड इसका सेचुरेशन कम कर देना होगा, और इसके बाद क्या करना होगा हम लोग को, इसके बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ग्रीन पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, ह्यू को -100 तक, ठीक है, -100 नहीं रखेंगे, लगभग +60 -60 के करीब रख लेंगे। एंड इसके बाद क्या करना होगा, इसके बाद येलो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे क्या करना है, ह्यू को -100 या -80 के करीब रख लेना है। एंड इसके बाद क्या करना होगा, इस शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फोटो को हम लोग सेव कर लेंगे। तो सेव करने बाद फिर से क्या करना होगा, इसी फोटो को शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन में। तो दोस्तों यहाँ से इस ऐप में इस फोटो को ओपन कर लेंगे, और ओपन करने बाद फिर से क्या करना होगा, नीचे यहाँ पे टूल्स पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक कर देना, फिर से यहाँ पर आ जाना है और सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और इस प्लस वाले ऑप्शन को डार्क स्क्रीन पर रख लेना है, सेचुरेशन कम, और ब्राइटनेस को अपने फेस के अकॉर्डिंग इंक्रीज करना है, ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना होगा, इसको यहाँ से सेव कर लेना है। सेव करने में फिर से यहाँ पे आ जाना है, और फिर से नीचे टूल्स पर क्लिक कर देना है। एंड इसके बाद यहाँ पे आने के बाद नीचे पोर्ट्रेट का ऑप्शन होगा, तो उस पर क्लिक कर देना है, और हम लोग इसको यहाँ पे स्मूथ 2 वाले ऑप्शन पे इसको रख लेंगे। और इसके बाद क्या करना है, फेस स्पॉटलाइट को इंक्रीज कर लेना है, और यहाँ पर नीचे राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद हम लोग इसको यहाँ से डन कर देंगे।